राम राम जी, स्वागत है आपका फूडी सांड पर। दोस्तों आज हम मुंबई का जुहू बीच कवर करने वाले हैं। रात के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे ना 10 बजे इतना ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब लगता है कि लोग सिर्फ खाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और साथ में बीच का आप यहाँ मज़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ का खाना ट्राई करते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और मोस्ट प्रोबेबली इसके 2 एपिसोड रहेंगे। ये है फर्स्ट एपिसोड, चलिए मज़ा लेते हैं वीडियो का। तो पहले आ चुके हैं महालक्ष्मी पाव भाजी। भाई इनसे मैंने बात करी, इन्होंने कहा सर वही हैं जो मानिक चौक में अहमदाबाद में आपको पाव भाजी खिलाई थी जिन्होंने। तो चलिए चलते हैं, क्या पता हमें वैसी पाव भाजी मिले यहाँ पे। ट्राई करेंगे यहाँ का तवा पुलाव पाव भाजी। भाई बटर आ चुका है दबके यहाँ पर, यहाँ पे 9 प्लेट पुलाव लगी है। ये देखिए पहले आ गया बटर, उसके बाद जीरा, फिर आगे अपना कैबेज और कॉलीफ्लावर है, नहीं कैबेज और वो है कैप्सिकम है। अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ा तवा इन्हीं का ही है पाव भाजी का ना। ये मटर आ गया सफल, महालक्ष्मी वालों ने सही कर रखा है यार। जो चौपाटी है या ऐसी जगह पे खोलते हैं जहाँ पे भाई काम चलना ही चलना है, क्योंकि टेस्ट तो था इनके पास अहमदाबाद में बहुत तगड़े वाला। आगे टमाटर, भाई ऑर्डर देख रहे हो 10 से 11, 11 से 12 आराम। उसको थोड़ा सा आपको आवाज़ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, अमेजिंग क्राउड है। लोग यहाँ खाते हैं फिर बीच पर जाते हैं, उल्टा भी हो जाता है। भाई ऊपर से मसाले आ गए हैं, यहाँ की हल्दी, लाल मिर्च, मतलब बटाटा आलू, फिर आगे इनका अदरक लहसुन का पेस्ट और ये भाई इनकी चटनी आँख में आ रही है, थोड़ी स्पाइसी चटनी है। पता चलता कुछ तो बन रहा है। सही बात है, ऊपर से आ गया पानी। महालक्ष्मी वाला बड़ा फेमस है अहमदाबाद में ना, आपने पता नहीं शायद वीडियो देखी होगी, हमारे चौक की देखी थी कितना वो एकदम ऐसे बना रहे थे। तवा पुलाव भी बड़े स्पाइसी थे वहाँ के ना, और पाव भाजी बड़ी टेस्टी थी। देखते हैं क्या भाई स्वाद यहाँ मिल पाता है नहीं मिल पाता। यहाँ पे भाई 4-5 जनों की टीम है, चिल्ला चिल्ला के बुला रही है, आओ इधर आओ इधर। टेस्ट अलग होगा शायद, अलग टच देंगे थोड़ा सा। अच्छा ऐसा हो सकता है, अभी हो सकता है। लेकिन गुजरात में भी ना पाव भाजी तो बड़ी टेस्टी थी, मुंबई स्टाइल भी बन रहा था, लादी पाव वगैरह का यूज़ हो रहा था वहाँ पे भी। हाँ और ये भाई भरकर ऊपर से चावल, ऊपर से मसाले, नमक वगैरह, पाव भाजी के मसाले भी थोड़ा ऐड होंगे इसमें, उसका भी स्वाद आएगा। धनिया ऊपर से बारिश होती है, धनिया की गरम मसाले की स्मेल ज़्यादा आ रही है, वो बीच में गरम मसाला ऐड करा था। और ये भाई दिए हैं मिक्स, और खुशबू ऐसी फैल गई है दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे मतलब आस पड़ोस के सारा क्राउड देखने लग गया है। ये देखिए सारे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर ना पूरी दुकान कोशिश करती है कि मैं देखो, एक तो खाना जो है ना सिमिलर सा है, पाव भाजी सभी के पास है, पुलाव सभी के पास है, तो सारे चाह रहे हैं कि भाई हमसे खाएं हमसे खाएं। यहाँ मुंबई की देसी आइटम मिलने वाली है आपको, पाव भाजी, पुलाव और ये पानी पूरी, रगड़ा पैटीज, बाहर का आइटम मुझे इतना दिख नहीं रहा है। क्वांटिटी तो मैंने भी कभी नहीं देखा बनते हुए। अच्छा हाँ यार रेट थोड़े हाई है, मेरे से रेंट ज़्यादा हो गया होगा इस वजह से, एरिया के हिसाब से भी और क्राउड है उस हिसाब से भी। बिल्कुल, आप खा चुके खाना यहाँ पे पहले? नहीं नहीं, एक प्लेट में पूरा बाउल आएगा भरकर। लगाइए सर, एक प्लेट लगा दीजिए हमारी, ये आ गई भाई एक प्लेट हमारी भी लगाइए। तो पापड़ के साथ सर्व होता है हमें यहाँ, सही है। ये पापड़ कलम वहाँ पे भी गए थे मानजनी पे,
तो वहाँ पे कोल्हापुरी पाव भाजी पे हमें पापड़ के साथ मिली थी। अच्छा, कल तो पापड़ के कंसेप्ट रहते हैं क्या मुंबई में? नहीं ऐसा नहीं, मतलब कोई कोई देता है कोई कोई नहीं देता है, सबका अलग अलग। अच्छा, पाव भाजी के साथ तो उतना मजा नहीं आता है, पर चावल है तो उसके साथ मजा आएगा पापड़ खाने का। साथ में दही भी दिया। धनिया तो शुरुआत करते हैं यहाँ के तवा पुलाव के साथ। 170 रुपए की प्लेट है। आइए जरा टेस्ट करते हैं। आइए अश भाई, आप भी आइए। ये देखिए भाई, थोड़ा इस पर डालते हैं दही। खाते हो ना दही? खाते हो ना? क्योंकि दही के साथ ही इसका स्वाद आता है बढ़िया। हम यहाँ पर अलग से खाते हैं। यहाँ अलग से खाते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए अलग से भी खा लेंगे और मिक्स करके भी खा लेंगे। बढ़िया यार, स्पाइसी है काफ़ी ज़्यादा। वही महालक्ष्मी वाले जो हमने खाई थी अहमदाबाद में, स्पाइसी रहेगी ज़्यादा। एक एक दाना खिला हुआ पूरा। थोड़ा सा पाव भाजी मसाले भी डाले हैं जो उसमें स्वाद जोड़ रहे हैं। टेस्ट में कोई कमी नहीं है। आइए दूसरे आइटम ट्राई करते हैं। भाई यहाँ पे पाव भाजी की हमने प्लेट लगी कि भाजी तो उन्होंने साइड में बना रखी है, बीच में थोड़ा सा बटर डाल के मिक्स करके ये आपको सर्व करते हैं। भाजी किस टाइम सुबह बनाते हो? सुबह बनाते हो भाजी? फिर आधे घंटे पहले बनाइए। अच्छा, हम थोड़ा लेट हो गए। ये खत्म होने के बाद दोबारा बनाओगे? खत्म होने के बाद दोबारा बनाओगे ना? ऊपर से आके पाव बटर देखिए, एक बारी क्वांटिटी देखिए बटर की। ये सारे पाव यहाँ सीखेंगे। दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ की सेल की बात करूँ ना, हर्ष भाई क्या लगता है कितनी प्लेट पाव भाजी जाती होगी रोज की? बोल नहीं सकते सारे कम से कम। ये ना आपका पाव भाजी है ना? हाँ मेरे सर। तो चलिए दोस्तों अपनी पाव भाजी की प्लेट आ चुकी है, इसको ट्राई करते हैं। 130 रुपीज़ की प्लेट है। और वैसे यार वो अहमदाबाद वाली बात नहीं लग रही है, यहाँ पे ना भाजी मेकिंग की, वहाँ पे भाजी मेकिंग अल्टीमेट थी। यहाँ पे क्या है कि बना कर रख रहे हैं थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में, तो मानिक चौक अलग लेवल पे था मेकिंग के मामले में। बाकी टेस्ट एक बार करके देखते हैं। ओए रायता, ओए दही दे, दही दे, दही दे, दही दे, दही दे। टेस्ट ठीक है ना? टेस्ट में कमी नहीं है। तो पाव भाजी थोड़ी और स्पाइसी हो सकती थी और ज़्यादा मज़ा आता। मुझे बहुत ज़्यादा न्यूट्रल लग रही है। थोड़ी स्पाइसी भाजी होती ना, जो मुंबई की स्पाइसी खाना होता है और नीम भी होता साथ में, तो और मज़ा आता। मैं कहूँगा कि थोड़ी सी मुझे वेलीवर मनी नहीं लग रही, वो टेस्ट वैसा नहीं बैठ रहा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पत्ता का पुलाव बढ़िया था। तो पाव में भी यहाँ पे आपको सिंपल बटर में दे दिया, वहाँ पे क्या मसाले वगैरह लगा के देते हैं थोड़ा, तो और मज़ा आता है। तो मुंबई की पाव भाजी में मैंने अंजनी माँ अंजनी की ट्राई कर दी, बहुत अमेजिंग पाव भाजी थी। यहाँ की नहीं बैठ रही है वैसी, पाव में इतना वर्क नहीं करा गया। भाजी भी थोड़ी फीकी लग रही है, मसालेदार नहीं लग रही है, वो मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादा। बाकी वो वहाँ पे पुलाव वगैरह बन रहे, पुलाव बहुत अमेजिंग है इनके। ये जैन वाले होंगे, इसके अंदर प्याज लहसुन वगैरह नहीं जाएगा, तो अलग से तैयार करते हैं यहाँ पे। चलिए कुछ और आइटम ऑर्डर करते हैं, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है।